Good morning, students. I welcome you all back in this series of Python, where we are trying to cover Python of class 12th in a very comprehensive, in a very detailed manner. और साथ के साथ हम इसके पैरेलली प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, और ये सारे नोट्स वगैरह जो हैं, नोट्स हैं जो हम कोडिंग कर रहे हैं, और ये जो लेक्चर्स हैं, ये सब मैं आपसे टेलीग्राम चैनल पे इनके लिंक वगैरह सब शेयर कर रहा हूँ. तो अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ है, कोई नोट्स नहीं मिल रहा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं. वो ओपन फॉर ऑल है, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी देखा, हमने देखा कि हमने वो पाइथन देखी जो हमने 11th क्लास में पढ़ी थी. बेसिकली जो भी बेसिक्स ऑफ पाइथन थे वो हमने पढ़ लिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है उसकी आगे 12th क्लास में जो पाइथन आएगी उसकी ज़रूरत है हमें इसमें. ठीक है, तो अब हम पाइथन का जो नया चैप्टर है क्लास 12th का, वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फंक्शंस. फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें हमने फंक्शंस शायद अभी तक नहीं सुना. हम 12th में आए हैं, हमने फंक्शंस नहीं सुने, हमें नहीं पता फंक्शंस क्या है. अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है. हमने तो नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई लिस्ट क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरी क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है. लेकिन ये फंक्शंस क्या चीज़ है, ये मैंने कभी ना सुना था ना देखा था. तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे कि तो इस चैप्टर में जो फंक्शंस का चैप्टर है जो हमें क्लास 12th में कवर करना है, उसका बेसिकली हम अगर एक जिस्ट में देखूं मैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है. मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले जानना कि फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद जानना कि फंक्शंस की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है मेरे को फंक्शंस की, क्यों चाहिए मेरे को फंक्शंस. फिर चलो ठीक है, मैंने समझ लिया फंक्शन क्या है, मुझे क्यों चाहिए. उसके बाद मुझे ये देखना है कि फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, कि कितने तरह के फंक्शंस हैं. कुछ फंक्शन क्या मैं बना सकता हूँ, क्या कोई ऐसे फंक्शन है जो पाइथन ने दे रखे हैं. और फंक्शंस में कुछ चीज़ें होती है पैरामीटर्स, वो हम देखेंगे. फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे. और जैसे मैंने बताया कि टाइप ऑफ फंक्शन में एक फंक्शन होता है, एक टाइप होती है जिसमें हम अपने फंक्शंस भी बना सकते हैं, हम वो देखेंगे कि हम किस तरह से बना सकते हैं. फिर इसमें एक चीज़ होती है कि एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ वेरिएबल्स होते हैं ना, तो उनका कोई ना कोई स्कोप होता है. स्कोप बेसिकली क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में बहुत डिटेल में. तो जस्ट बी विद मी, वी विल स्टार्ट लर्निंग राइट टुडे. ठीक है, तो अब देखो यार, फंक्शंस के लिए सबसे पहले ये समझो कि फंक्शंस क्या होते हैं. देखो क्या होता है कि ना, कभी कभी जब हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं, हो सकता है कि यार ऐसा कोई कोड हो जो बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे करना है, बार बार उसकी जरूरत मेरे को पड़ती है. तो यार बार बार रिपीट होने के लिए तो मैंने लूप्स देखे थे कि भाई जैसे अगर कोई भी चीज मेरे को बार बार करनी है तो उसमें मैं लूप लगा रहा था. तो फिर ये फंक्शंस की जरूरत क्यों है मेरे को. फंक्शंस की जरूरत इसलिए है क्योंकि सपोज करो जो लूप है, वो लूप मान लो मेरा कोई कोड है, 1000 लाइन का कोड है सपोज. ठीक है, उसमें 100 वाली लाइन पे जो है मैंने एक लूप लिखा हुआ है. ठीक है, वो लूप जब नीचे चला गया, जब वो प्रोग्राम पाइथन रन कर रहा था, तो वो पाइथन मान लो नीचे 999 वाली लाइन पे आ गया, तो अब वो उस वापसी उस लूप में ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि वो लूप कहाँ बना हुआ है, 100 वाली लाइन पे. मेरे को काम वही करना है जो वो लूप कर रहा था सपोज, तो अब मैं वापसी उस लूप पे कैसे जाऊं. या तो मैं उस वाले लूप को नीचे दोबारा लिखूं, क्योंकि अब पाइथन नीचे आ चुका है, अब पाइथन ऊपर 100 वाली लाइन पे थोड़ी जा सकता है. तो इसलिए मेरे को जरूरत है कि यार ऐसा कोई मैकेनिज्म हो, ऐसा कोई सिस्टम हो, ताकि जब भी मेरे को किसी चीज की जरूरत हो, मैं उसको आवाज लगाऊं और वो मेरे पास वहां पर अवेलेबल हो, चाहे वो किसी भी लाइन नंबर पे बैठा हो, चाहे 100 पे हो या लाइन नंबर 1 पे हो. अगर मेरे को लाइन नंबर 1000 पे भी उसकी जरूरत है, तो मैं उसको एज इट इज कॉल करूंगा और वो वाला कोड वहां पर रन हो जाएगा जो ऊपर भी था. तो वो कोड मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़ रहा. लूप क्या कर रहा था कि लूप जिस जगह पर है वो वहीं पर रन करेगा, उसको आप उससे ऊपर या नीचे यूज नहीं कर सकते. लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा काम है जो लूप कर रहा था या मेरे को बार बार करना है, तो और मैं उसको नीचे करवाना चाह रहा हूं, नीचे भी करवाना चाह रहा हूं, ऊपर भी जरूरत है, नीचे भी जरूरत है, तो मेरे को ऊपर भी लूप लिखना पड़ता और नीचे भी लूप लिखना पड़ता.
तो इट इज बेटर कि भाई इस लूप को हटाकर मैं एक फंक्शन में डाल दूं और मैं ऊपर उस फंक्शन को आवाज लगाऊं और नीचे भी उस फंक्शन को आवाज लगाऊं, तो जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस को कॉल करना, कि भाई मैं सीधा फंक्शंस को कॉल कर लूंगा। फिर मेरे को बार बार ये नहीं है कि लूप ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। अब मान लो लूप ही मेरा 4 बार यूज हो रहा है, तो फिर वो लूप का भी देखो एक ड्रॉबैक निकल के आ जाएगा कि यार ये लूप काहे बात का लूप है अगर मेरे को लूप भी 4 बार लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि उस लूप को मैं एक फंक्शन में डाल दूं और बार बार उस फंक्शन को मैं कॉल कर लूं, कि भाई अब मेरे को सिर्फ उस फंक्शन को एक आवाज लगानी है, वो वहां पर उस लाइन नंबर पर यूज हो सकता है। तो मेरे को बार बार 10 लाइनों का लूप नहीं लिखना पड़ा, मेरे को एक लाइन का कोड लिखना पड़ा जिसमें मैंने उस फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि वी कैन रीयूज द कोड, कि हम लोग कोड को रीयूज कर पा रहे हैं, मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़ रहा, जो कोड मेरे पास लिखा हुआ है उसी को मैंने आवाज लगाई और वो ही मेरा यूज हो गया। उसके बाद इजियर टू मेंटेन और मॉड्यूलैरिटी। देखो क्या होता है कि ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग सिर्फ हमेशा छोटे छोटे लाइन के कोड नहीं लिखते। आप जब रियल लाइफ में जाओगे, आप ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाएगा कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखो, नहीं। आप अगर कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छा खासा मतलब 100 200 1000 लाइनों का कोड बन जाता है, 250 300 लाइन का कोड तो रेगुलर मतलब एक एवरेज उसमें बन जाता है यार, किसी भी अगर आप रियल लाइफ एप्लीकेशन को बनाने जाते हो तो। अब इसमें एक चीज समझ आती है कि यार अगर मैं देखूं, अगर एक ही लाइन एक ही प्रोग्राम में एक ही फाइल में मैंने सारा कोड डाल दिया तो उसमें ड्रॉबैक क्या है। देखो उसमें ड्रॉबैक ये है कि यार अगर कल को मान लो फाइल में मेरे को कोई चेंजेस करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है चेंजेस करने हैं। मान लो आप एक कंपनी में हो, आपने सारा कोड जो है एक ही फाइल में डाल दिया, फंक्शंस वगैरह भी फॉर लूप सब आपने एक ही फाइल में डाल दिए, कल को अगर आप चेंजेस करोगे तो आपको खुद को दिक्कत आएगी कि यार ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा था, ये वाला जो कोड है ये क्या कर रहा था। आप खुद याद करने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत हो जाए, जैसे जैसे हमारा कोड बड़ा होता है तो हमको दिक्कत हो सकती है कि यार वो कोड जो है वो कर क्या रहा था अगला कोड। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इट इज बेटर कि भाई जो प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो, कि भाई इस काम के लिए जो काम करेगा वो ये वाली फाइल होगी। मान लो सपोज करो एक स्कूल है, आप स्कूल के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, या फिर सपोज करो लाइब्रेरी है, आप लाइब्रेरी के लिए प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, तो लाइब्रेरी का प्रोग्राम आप इस तरह से उसको कहीं ना कहीं डिवाइड कर सकते हो कि जो भी लिटरेचर से रिगार्डिंग बुक्स होगी उसके लिए मैं एक अलग कोड लिखूंगा अलग फाइल में, तो लिटरेचर से रिलेटेड जो किताबें होंगी वो उसमें लिखी जाएंगी। ठीक है, जो भी मेरी सपोज करो साइंस से रिलेटेड होगी उनके लिए मैं एक अलग फाइल बना सकता हूँ कि भाई साइंस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनके लिए एक प्रोग्राम बना रखा जो कि इस फाइल में रखा है। ठीक है, ऐसे ही सपोज कीजिए आपकी कॉमिक्स की कोई बुक है, कॉमिक्स की जितनी भी किताबें होंगी उसके लिए आपने उसको किस तरह से आप हैंडल करोगे, अपडेट करोगे डिलीट करोगे जो भी है उस चीज के लिए आपने एक बना दी एक अलग फाइल कॉमिक्स नाम से। तो अब क्या है कि जब आपको लाइब्रेरी का पूरा पूरी लाइब्रेरी के लिए जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आप कॉमिक्स वाली फाइल को भी उठा के लाओगे, आप लिटरेचर वाली फाइल को उठा के भी लाओगे, आप साइंस वाली फाइल को भी, जितनी भी आपने छोटी छोटी फाइलें बनाई सब फाइलें, क्योंकि पूरी लाइब्रेरी जो है इन सब छोटी छोटी फाइलों से मिलके बनी है, इन सब छोटी छोटी बुक्स से मिलके बनी है, तो एक किस्म से आपको इन सबको अब इकट्ठा करना पड़ेगा, एग्रीगेट करना पड़ेगा, एसिमिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें आपको आसानी क्या हुई, इसमें आसानी ये हो गई कि अब सारी किताबें एक तरफ से नहीं एक तरह नहीं लगी हुई, एक जगह पे नहीं पड़ी हुई। आपको पता है कि भाई जो मेरी कॉमिक्स की किताबें हैं उसका जो प्रोग्राम है वो इस फाइल में है, तो अगर कोई भी मेरे को डिफेक्ट दिखता है कि कॉमिक्स की फाइल में कोई दिक्कत दिख रही है, जो डिस्प्ले नहीं हो रही या एक फाइल कम दिखा रहा है या कोई गलत फाइल दिखा रहा है, एक की जगह दूसरी फाइल दिखा रहा है, बुक दिखा रहा है, तो आप ये देख सकते हो कि हाँ भाई जो भी गड़बड़ है वो कॉमिक्स वाली फाइल में ही है, लिटरेचर और उसमें मेरे को हाथ मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पूरा जो मेरा बड़ा सा प्रोग्राम था लाइब्रेरी के लिए जो मैं बना रहा था उसको मैंने छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जो एक प्री डिफाइंड काम कर रहे हैं कि भाई तू ये काम करेगा तू ये काम करेगा, तो कल को चल के अगर किसी के काम में कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को पता है कि मेरे को कौन सी फाइल के अंदर चेक करना है, मेरे को पूरी प्रोग्राम को नहीं उठाना है सारी फाइलों को, मेरे को सिर्फ उस फाइल को उठाना है जिससे रिलेटेड मेरे को लग रहा है कि एरर आ रहा है,
तो इस तरह से मेरे लिए मेंटेन करना इजी हो गया ना, मेंटेन करना बहुत आसान हो गया मेरे लिए, क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं। अब मेरे को दिख रहे कि भाई कोई दिक्कत है तो मेरे को यहां जाना है, ठीक है। तो ये काम होता है फंक्शंस का। इसी तरह से हम लोग क्या है कि मान लो कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक बात समझो कि कोई अगर मान लो बहुत बड़ा आप कोई एल्गोरिथम लगा रहे हो, या बहुत बड़ी मैथ्स की कोई बहुत बड़ी सॉल्व वो न्यूमेरिकल, बहुत बड़ा पेचीदा न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, जब भी आप किसी प्रॉब्लम की तरफ चलते हो तो आप उसके एक वो देखते हो, माइलस्टोन से देखते हो, और एक वो देखते हो कि आपको क्या क्या स्टेप्स चलने जरूरी हैं। अगर आपको मैथ्स में इस चीज का आउट आंसर निकालना है, तो आपको पता है कि आपको यहां से यहां तक जाना है, फिर आपको यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करते थे, मैथ्स में एक सॉल्व करते थे। अब पाइथन में या किसी भी प्रोग्राम में क्या है कि हो सकता है प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसको एक ही फाइल में डाल के बना सकूं, तो मैं क्या करूंगा, उस पूरे प्रोग्राम को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा कि भाई यहां से यहां तक के काम के लिए ये वाली फाइल है, यहां से यहां तक के काम के लिए ये वाली फाइल है। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बना दिए छोटे छोटे, जैसे हम लाइब्रेरी में बना रहे थे, एग्जैक्टली वैसे ही। तो इससे क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, तो वो मेरे को एक साथ नहीं झेलनी पड़ रही, मैं उसके सब जो मॉड्यूल्स हैं, छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स हैं, एक टाइम पे एक मॉड्यूल उठा रहा हूँ उसको प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, फिर अगले मॉड्यूल को उठा रहा हूँ उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, फिर अगले मॉड्यूल को। तो फिर मेरा भी माइंड जो है ना ज्यादा पजल नहीं हो रहा एज अ प्रोग्रामर, ठीक है, एज अ ह्यूमन बींग हम लोग फिर पजल नहीं हो रहे, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करना है। अब एक बड़े शेर से नहीं लड़ना, मेरे को छोटे छोटे बिल्लियों से लड़ना है। एक एग्जाम्पल है, वैसे ही एग्जाम्पल है, बहुत गलत एनालॉजी है वैसे ये, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपने बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बांट दिया, तो आपको देखने में डर भी नहीं लगेगा यार 1000 लाइन का कोड कौन पढ़े, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये 20 लाइन का कोड है, 50 लाइन का कोड है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो एक प्रोग्राम का साइज छोटा हो जाता है और वो रीडेबल हो जाता है इसीलिए, और अंडरस्टैंडेबल। मान लो मैंने वो प्रोग्राम बनाया था 1000 लाइन का, एक ही फाइल में डाल दिया था, मैंने कहा कि भाई मैं फंक्शन यूज ही नहीं करूंगा, मुझे याद है मेरे को क्या करने हैं, तो मैंने अच्छे से बना लिया। अब क्या हुआ कि भाई मैंने उस चीज को वो बना दिया कि भाई बार 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 एक ही चीज उसमें लिख ली कि भाई मेरे को याद रहेगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मैं वो कंपनी छोड़ के चला गया, मेरे पीछे से कोई और आया, तो उसको बहुत दिक्कत आ जाएगी, उसके लिए वो इजी नहीं है समझना। तो इसलिए ऐसी चीजों को मॉड्युलैरिटी, ये जो मॉड्युलैरिटी वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये सारे मॉड्युलैरिटी से रिलेटेड है, कि मॉड्युलैरिटी के फायदे क्या हैं, कि हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स को, प्रोग्राम्स का साइज छोटा हो जाता है बार बार, क्योंकि मैंने बताया ना फंक्शंस का यूज क्या था, फंक्शंस का यूज ये था कि भाई अगर कोई चीज बार बार हो रही है, रीयूज हो रही है, तो मैं उसको कॉल कर सकूं, मेरे को बार बार वो फॉर लूप लिखना ना पड़े, ठीक है। तो वैसा सब कुछ हो कि हाँ फंक्शंस के अंदर मैं सिर्फ फॉर लूप नहीं, फंक्शंस के अंदर मैं और भी चीजें डाल सकता हूँ, तो ये एक एडेड एडवांटेज है ऑफ फंक्शंस ओवर फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स जो भी है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या हैं। यार देखो फंक्शंस के ना टाइप्स समझने जरूरी है। फंक्शंस जो है हमारे पास दो तीन तरह के टाइप्स है। एक फंक्शन होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन जैसे नाम बता रहे हैं कि बिल्ट इन मतलब जो ऑलरेडी बिल्ट है। किसमें बिल्ट है, पाइथन में। वो फंक्शंस जो ऑलरेडी पाइथन में हैं, जिसको मेरे को सिर्फ आवाज लगानी है और एज इट इज यूज हो जाएंगे, वो फंक्शंस कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो कि प्री डिफाइंड है। और क्योंकि ये प्री डिफाइंड है पाइथन में, इसका मतलब है कि ये फंक्शंस एक किस्म से कीवर्ड्स होंगे, क्योंकि कीवर्ड्स क्या थे, रिजर्व्ड वाले वर्ड्स, उनको आप एज इट इज अपने मतलब अपने फंक्शन बना के उनको ये वाले नाम नहीं दे सकते, तो वो एक किस्म से कीवर्ड्स है। जैसे कि सपोज कीजिए इनपुट फंक्शन था, इनपुट फंक्शन में मैं क्या करता था, मैं यूजर से इनपुट लेता था। अब यूजर से मैं इनपुट ले रहा हूं, तो इनपुट नाम का फंक्शन जब भी पाइथन में दिखेगा नीचे किसी भी लाइन ऑफ कोड पे, तो पाइथन समझ जाएगा, पाइथन यही एज्यूम करेगा कि ये वही इनपुट है जो इनपुट मैं बना रखा है, जो मैंने बना रखा है, जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। आप अपना फंक्शन नहीं बना सकते इनपुट नाम का, ये जो पाइथन ने दिया है ये वही रहेगा हमेशा। ऐसे ही इवेल्युएट हमने देखा था, कोई
कोई भी अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि स्ट्रिंग की फॉर्म्स में है, तो इवैल फंक्शन उसको क्या कर रहा था, इवैल्यूएट कर दे रहा था। वो कहता था कि भाई स्ट्रिंग की फॉर्म में तेरे पास एक इनपुट आएगा, उसको तू मैथ्स मैथ्स की नजरों से देख। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि इसको मैथ्स की नजरों से देख इवैल को। ऐसी एब्स, एब्स मतलब एब्सोल्यूट, जैसे मैथ्स में होती है ना एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की, तो इसी तरह से पाइथन में भी हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी वेरिएबल की, किसी भी वैल्यू की। ठीक है, तो ये हो गए। इसके लिए हमें पाइथन ने जो है बिल्ट इन फंक्शन दे रखे हैं, मैं इसको एज इट इज यूज कर सकता हूँ। अगला है कि सपोज मेरा कोई मॉड्यूल बना हुआ है, ठीक है, और उस मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शंस हैं, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने देखे थे मैथ्स और रैंडम, लास्ट ईयर हमने देखे थे दो तरह के मॉड्यूल्स, मैथ और रैंडम। मैथ मॉड्यूल क्या था कि ना पाइथन ने मेरे को बना बनाया रेडीमेड एक मॉड्यूल दे रहा है मैथ नाम का। उस मॉड्यूल के अंदर उसने मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, साइन हो गए, कोसाइन हो गए, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, एसक्यूआरटी, ये जितने भी लॉगरिथमिक, जितने भी मतलब आप मैथमेटिक्स में थोड़े से जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को मैथ मॉड्यूल के अंदर पाइथन ने खुद डिफाइन करके हमें रेडीमेड दे रखा है। मेरे को सिर्फ उस फंक्शन को आवाज लगानी है, पहले मेरे को उस मॉड्यूल को बुलाना है जहां से मेरे को फंक्शन मिलेगा, उसके बाद मैंने उस मॉड्यूल के अंदर गया और फिर फंक्शन का नाम बोला और उसको बोल उसको वो पैरामीटर जो ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है इसको बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स, कि भाई मैंने इसको पैरामीटर पास किए, ये बेसिकली आर्ग्यूमेंट है थ्री जो है, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट पास किया मैंने उसको कि भाई ये आर्ग्यूमेंट है इसके ऊपर तेरे को काम करना है। एसक्यूआरटी को मैं बोल रहा हूँ कि भाई देख एसक्यूआरटी फंक्शन, मैथ के अंदर जो एसक्यूआरटी फंक्शन है उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई सुन तुझे जो है ना इस थ्री वाले के ऊपर काम करना है, ये है तेरी आर्ग्यूमेंट थ्री। तो एसक्यूआरटी क्या बताता है, स्क्वायर रूट बताता है। तो एक किस्म से मैथ के अंदर मैंने बोला स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट किसका बता भाई तू मुझे, थ्री का, तो ये आउटपुट क्या दे देगा 1.732, ठीक है, थ्री का स्क्वायर रूट क्या था 1.732, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते थे, या फिर हो सकता है किसी और रेडीमेड मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस बने हुए वो यूज कर सकते हैं, या फिर मैं अपने फंक्शन बना सकता हूँ। अपने फंक्शन कैसे बना सकते हैं, एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ यार हम लोग जो है अपने फंक्शंस किस तरह बनाते हैं। ठीक है, मैंने पाइथन खोलता हूँ, आइडल पे गया, पाइथन का आइडल, यहाँ फाइल पे गया, न्यू फाइल करी, ये अनटाइटल्ड है, इसको पहले सेव कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूं मैं जी में, यहां पे डाल देता हूं फंक्शंस 1.py, .py तो चलो दे ही रही है ऑटोमेटिक एक्सटेंशन। ठीक है, देखो फाइल का नाम चेंज हो गया। अब देखते हैं यार, अब मेरे को ये करना है कि यार इसमें एक फंक्शन बनाना है, कैसा फंक्शन, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने बनाना है। ठीक है जी, देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनता है। एक बार यूजर डिफाइंड फंक्शन से पहले ना हम लोग ये वाले फंक्शन एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन देखो, या पहले यूजर डिफाइंड देखते, चलो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करना होता है, इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ा दूं, इसका फॉन्ट कहां से बढ़ेगा, आई डोंट नो, चलो जो भी है। डेफ, डेफ का मतलब होता है कि मैं डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। जब भी डेफ कीवर्ड दिखेगा पाइथन समझ जाएगा कि भाई जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है, वो एक फंक्शन को डिफाइन करने जा रहा है। तो मैंने बोला डेफ और मेरे फंक्शन का नाम, मेरे फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, सपोज कीजिए डेफ, एक बार के लिए फन वन ले रहा हूं, मेरे फंक्शन का नाम है फन वन, फर्स्ट फंक्शन मेरा। फिर ये ब्रैकेट्स, ये दो ब्रैकेट जिसको हम पेरेंथिसिस बोलते हैं, ये दो पेरेंथिसिस लगाना जरूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने बोल दिया डेफ फन वन, नहीं ये एरर दे देगा।
आप जब ये पेरेंथीसिस लगाओगे उसके बाद ही जो है पाइथन को पता चलेगा कंप्लीटली कि भाई ये जो है ये एक फंक्शन जो है फन वन जो है इसको मैं सम बोल देता हूँ, सम नाम का फंक्शन है सपोज, सम जो है ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि डेफ भी दिख गया उसको और ये दो ब्रैकेट्स भी दिख गए इसको, ठीक है। और फिर हमें लगाना होता है कॉलन। कॉलन बेसिकली क्या करता है कि किसी भी चीज का वो बताता है कि भाई जैसे इफ एल्स में हम करते रहे कॉलन, तो वो बताता है कि भाई मेरी बॉडी अब शुरू होने वाली है, तो मैंने डेफ फंक्शन का नाम जो था सम और फिर ब्रैकेट पेरेंथिसिस फिर कॉलन फिर एंटर मारूंगा, तो देखो इसने खुद इंडेंटेशन कर दी। अब सम में मैं क्या चाह रहा हूं कि भाई मैं प्रिंट कराऊं, मैं यूजर से जो वैल्यूज आएंगी उसमें मेरे को प्रिंट कराना है उनका सम, मेरे को सम प्रिंट कराना है। ठीक है, मेरे को सम प्रिंट कराना है, लेकिन अब ये सम है क्या चीज यार, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो ये सम जो होगा ये सम किस चीज का सम होगा, सम ऑफ वैल्यूज, शायद सम एक कीवर्ड है, तो हमें सम ऑफ वैल्यूज प्रिंट करानी है। तो मैंने सम ऑफ वैल्यूज क्या होगी, ए प्लस बी। तो ये फंक्शन मेरा क्या करेगा, सम नाम का फंक्शन क्या करेगा, सम ऑफ वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल बनाएगा, वैल्यूज सम ऑफ वैल्यूज जो कि ए और बी का सम होगा। लेकिन ये ए और बी है क्या, यूजर ए और बी में वैल्यू कैसे डालेगा, तो वो इनपुट मेरे को यहां से लेना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में, ए कॉमा बी। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो है ये यूजर यहां पर डालेगा जब वो सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसके बाद उनका जमा कर देगा ये फंक्शन और उसको इसमें स्टोर कर लेगा सी नाम के वेरिएबल में सपोज, ठीक है। और फिर हमने सी नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। लेकिन यार ये अभी कुछ समझ नहीं आया, ये चल कैसे रहा है, फंक्शन बन गया ये रन कैसे होगा, मैं इसको अगर रन करता हूँ तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, ये क्या है, मेरी फाइल रन हो गई लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, खाली है, ये क्या बात हुई, ये चलेगा कैसे ये प्रोग्राम। तो इसको अब देखना पड़ेगा, ये प्रोग्राम चलेगा ऐसे कि ये मैंने फंक्शन बना दिया, लेकिन मैंने बताया ना कि जहां पर भी मेरे को फंक्शन यूज करना है वहां पर मेरे को उसको कॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है यार, अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, फंक्शन का नाम बोलना है, जैसे किसी आप ह्यूमन बीइंग को कैसे कॉल करते हो उसका नाम बोल के, तो आपने फंक्शन को उसका नाम बोलना है और बस वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलो देखते हैं फंक्शन कॉल हो रहा है क्या। ये तो एरर दे रहा है, ये एरर क्या दे रहा है, टाइप एरर। क्या एरर दे रहा है कि जो आपने सम लिखा है वो जो है मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स मिसिंग है, कौन कौन से, ए और बी। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सम नाम के फंक्शन को बोल रहा हूँ आवाज लगाई, तो पाइथन ने देखा सम नाम का कोई फंक्शन बना हुआ है, उसने देखा हाँ यार बना हुआ है, उसने फिर ये भी देखा कि भाई इसको दो वैल्यूज चाहिए ए और बी नाम की, ये चाहता है कि भाई मेरे को दो वैल्यूज दो, लेकिन मैंने तो कोई भी वैल्यू नहीं दी, इसके लिए इसने मेरे को एरर दिया कि मिसिंग है ये दो आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ए और बी क्या है, आर्ग्यूमेंट्स बताया ना मैंने, आर्ग्यूमेंट्स। तो और ये इसको क्यों चाहिए सम नाम के फंक्शन को, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई जब तक मेरे पास ए और बी नहीं आएगा तो मैं सम किसका करूंगा, एक किस्म से जब मैंने ए और बी दिया ही नहीं तो ये खाली है ये वाली लाइन, तो सी किसके बराबर होगा, ये तो खाली हो जाएगा, तो सी बराबर किसके होगा, तो इसके लिए मेरे को सम को जब कॉल कर रहा हूं मेरे को ए और बी पास करना पड़ेगा कि भाई तुझे किसका सम करना है, 10 और मान लो 20। तो जब मैंने लिखा 10 कॉमा 20, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली वैल्यू है वो पहले पैरामीटर के अंदर जाएगी जो कि ए है, और जो दूसरी आर्ग्यूमेंट है वो दूसरे पैरामीटर के अंदर जाएगी। ये पोजीशन के हिसाब से होता है, जो 10 है वो ए में, जो पहले वैल्यू वो पहले में, दूसरी वैल्यू दूसरी में, तीसरी वैल्यू तीसरी में, चौथी चौथी में, ऐसी। तो ये पोजीशन वाइज होता है। तो इस तरह से जो है मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा जो फंक्शन है डिफाइन होता है। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन कॉल हो रहा है और क्या
10 और 20 का अब मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, सम फंक्शन को मैंने कॉल करा तो पाइथन यहाँ गया, उसने देखा दो आर्ग्यूमेंट चाहिए मेरे को, ए और बी, क्या मिल रही है? हाँ, ए में 10 जाएगा, बी में 20 जाएगा, ठीक है, ए में 10 आ गया, बी में 20 आ गया, ठीक है, तो सी में क्या आ जाएगा? 10 + 20 कितना? 30, फिर प्रिंट हो जाएगा सी जो कि 30 है। अब ये देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो गया, 30 प्रिंट हो गया ना, देखो ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने अपना फंक्शन बना लिया, मुझे समझ आ गया कि भाई फंक्शन बना हुआ है। सपोज करो ये फंक्शन कमेंट होता या होता ही नहीं, और मैं सिर्फ बोल दूं सम 10, 20, तो देखते हैं क्या होता है। ये एरर बोल रहा है, ये एरर दे रहा है, कहां पे एरर दे रहा है? यहां पर, क्योंकि भाई हमारे पास सम नाम का जो फंक्शन है वो कोई फंक्शन है ही नहीं, सम नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है मेरे पास, या सम वन नाम का फंक्शन बना लेते हैं क्योंकि सम एक कीवर्ड है यार, सम वन नाम का फंक्शन बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो सम जब मैंने इसको रन किया F5 दबाकर, तो देखो ये सम वन इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है, ये बोल रहा है सम वन नाम का जो फंक्शन है ये डिफाइंड नहीं है। कहाँ डिफाइन किया आपने? आपने तो कुछ किया ही नहीं डिफाइन। तो मैंने कहा चल भाई ले, मैंने डिफाइन कर दिया, अब तो एरर नहीं देगा, देख लेते हैं। हाँ, अब एरर नहीं दिया, 30 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये समझ आ गया मुझे कि भाई मैं अपना खुद का फंक्शन बना सकता हूँ इस तरह से, डेफ, फिर फंक्शन का नाम, फिर ये ब्रैकेट्स, फिर जो भी उसके अंदर वैल्यूज देनी है वो, फिर ये कॉलन, और फिर जितने भी वैल्यूज फंक्शन के अंदर है जो भी स्टेटमेंट उनको इंडेंटेशन करूंगा, ठीक है, और फिर फंक्शन को जहां मर्जी चाहूँ कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर कॉल कर लिया, फिर 1000 लाइन नीचे मान लो कोई कोड है वहां पर भी कॉल कर सकता हूँ मैं 100, 200 के लिए, ठीक है, बीच में चाहे जितना मर्जी लाइनें हो। तो अब क्या है, मेरे को बार बार इसको लिखना नहीं पड़ रहा, मैंने सिर्फ सम को बोला, आवाज लगाई, ये कॉल हो गया, इसने खुद ही प्रिंट कर दिया। तो इससे मेरा टाइम भी सेव हुआ, मेरा लाइन ऑफ कोड भी सेव हुआ, और मेरा कोड बार बार रीयूज हो रहा है, ये फंक्शन बार बार मैं यूज कर सकता हूँ, जितनी बार आवाज लगाऊंगा उतनी बार ये यूज होएगा। तो ये फायदा होता है सम का। तो ये क्या था, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, ये एक उसका एग्जांपल हमने देख लिया, एक बहुत बेसिक एग्जांपल है जो हमें पता होना चाहिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ना हम यहां चलते हैं, हमने बिल्ट इन फंक्शन देखे थे, बिल्ट इन फंक्शंस को देख लेते हैं। अब इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इन सबको कमेंट कर दिया, ये कोड मैं आपसे शेयर कर दूंगा आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस। चलो यार, बिल्ट इन फंक्शन जैसे इनपुट फंक्शन था, मैं क्या करता था, एक्स इज इक्वल टू इनपुट एंटर एंड द एज, ऐसे प्रोग्राम मैंने किए थे ना। तो अब इसमें क्या था यार, एंटर द एज करके मैंने बोला इनपुट फंक्शन, इसमें कोई एरर दिखाएगा? इनपुट नाम का फंक्शन मैंने बनाया है क्या? मैंने तो कोई फंक्शन नहीं बनाया इनपुट नाम का, और फिर मैं बोल देता हूँ प्रिंट एक्स। अब यार ये प्रिंट के आजू बाजू भी ब्रैकेट है, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है, इनपुट के आजू बाजू भी ये ब्रैकेट है पेरेंथिसिस, इसका मतलब ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ना तो मैंने इनपुट बनाया ना मैंने प्रिंट बनाया, तो इसका मतलब ये तो एरर देना चाहिए क्योंकि मैंने तो फंक्शन बनाया ही नहीं। रन करके देखते हैं, यार ये तो एरर नहीं दे रहा, ये तो एंटर द एज पूछ रहे हैं, एंटर द एज कहाँ लिखा था मैंने? यहाँ लिखा था, ये तो मेरे से इसको एज पूछ रहे हैं, मैंने 25 डाल दी, एंटर मारा तो इसने 25 प्रिंट कर दिया, इसने प्रिंट कर दिया 25। तो यार ये कैसे हो गया, मैंने तो डिफाइन ही नहीं किया इनपुट और प्रिंट। ये इसलिए क्योंकि ये पाइथन ने बिल्ट इन फंक्शंस है, पाइथन ने इनको खुद डिफाइन कर रखा है, ठीक है, इनपुट को भी और प्रिंट को भी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये पाइथन ने डिफाइन करा हुआ है, ठीक है।
तो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो ऑलरेडी डिफाइन है, आपको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने बिल्ट इन फंक्शंस कैसे होते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, उनको देख लिया कि उनको जरूरत नहीं होती, वो रेडीमेड है, यूज करो। ठीक है, मैथ्स वाला भी हम देख लेंगे, और एक बार यूजर डिफाइंड हम देख चुके, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो फंक्शंस इन मॉड्यूल्स, मैथ वाला भी हम देखेंगे। ठीक है, फंक्शंस इन मॉड्यूल्स, देखो मॉड्यूल्स क्या होते हैं। मॉड्यूल्स बेसिकली कोई भी पाइथन की फाइल होती है, सिर्फ ये समझ लो। मॉड्यूल कुछ नहीं है, सिर्फ एक पाइथन की फाइल है। ठीक है, मैंने बताया कि भाई मेरा मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोड है, बहुत लंबे प्रोग्राम्स है, तो उसमें मेरे को क्या करना होता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई मेरे को उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। तो यार अब क्योंकि मैं काम तो पाइथन में ही कर रहा हूँ, तो वो जो मॉड्यूल्स होंगे वो होंगे तो पाइथन के कोड, तो उनको मैंने पाइथन के कोड में डिवाइड कर दिया, और उनको फिर आखिरी में जब प्रोग्राम रन करता हूँ तो उनको जोड़ लेता हूँ, या जब जरूरत है उसको कॉल कर लिया, जो उनसे भी मॉड्यूल की मेरे को जरूरत है जिस समय पे। ठीक है, ये चीज मैं समझा चुका हूँ। तो मॉड्यूल इज नथिंग बट अ सिंपल पाइथन फाइल, एक सिंपल सी पाइथन की फाइल है मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन वी डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स, जब भी हम एक प्रोग्राम को, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको मॉड्यूल में डिवाइड करना एक अच्छी प्रैक्टिस है, एक अच्छी आदत है, जब भी मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो उस मॉड्यूल में मैं कुछ फंक्शंस बनाऊंगा, कुछ लूप्स बनाऊंगा, उसमें भी मतलब मैं पाइथन का ही प्रोग्राम लिखूंगा। क्यों पाइथन का, क्योंकि भाई वो है ही पाइथन की फाइल, तो मैं प्रोग्राम भी तो पाइथन का ही लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल, मैंने फायदा क्या है मॉड्यूल बनाने का, क्योंकि मेरे को जब भी जरूरत है मैं उसको कॉल करके उसको यूज कर सकता हूँ किसी भी और प्रोग्राम में। ठीक है, मैंने बताया ना, मैंने मॉड्यूल बना दिए, छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, अब मैं जब भी चाहूँ उसको यूज कर सकता हूँ, उसको बुला सकता हूँ और उसको यूज कर सकता हूँ जब भी चाहूँ, तो ये इससे फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद है भाई कि वेन वी मेक सच फंक्शन विच मे बी यूज इन अदर प्रोग्राम्स, देन वी कैन राइट देम इन मॉड्यूल। सपोज करो कि यार ऐसे फंक्शन हैं कुछ जो मेरे को बार बार जरूरत पड़ती रहती है अलग अलग तरह के प्रोग्रामों में, जैसे मैथ है, मैथ नाम का जो मॉड्यूल ही तो है जो पाइथन ने मुझे रेडीमेड दे रखा है, हमने देखा ना मैथ नाम का, ये एक रेडीमेड मॉड्यूल है जो पाइथन ने मुझे दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि पाइथन को लगा कि यार मैथमेटिक्स की जो चीजें हैं वो ज्यादातर बहुत लोग कॉमनली यूज करते रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो उन लोगों को दिक्कत ना आए तो मैं खुद ही क्यों ना बना के दे दूं एक मॉड्यूल, तो जिसको जरूरत होगी वो इसको इंपोर्ट कर लेगा और उसको फिर यूज कर लेगा। तो किसी भी मॉड्यूल को यूज करने से पहले आपको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप उसको लेके नहीं आओगे अपने प्रोग्राम में तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने मैथ को इंपोर्ट करा हुआ है यहाँ पे, देखो। ठीक है, चलो तो अब हम देख लेते हैं कि फंक्शंस कैसे, हमने देख लिया फंक्शंस कैसे काम करते हैं, मॉड्यूल्स में भी हम लोग फंक्शंस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो था SQRT क्या है, एक फंक्शन है, कैसे पता चला फंक्शन है, भाई इसमें पेरेंथेसिस लगे हुए इसके साथ में, देखो तो इसका मतलब ये फंक्शन है, और फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होगा, इस मैथ के अंदर, और मैथ क्या है, मॉड्यूल, क्या इस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करे हुए हो, हाँ भाई किया हुआ है, देखो। तो इस तरह से हम लोग, अगर हमें लगता है कि भाई कोई ऐसी चीज है जो बार बार हमें यूज करनी पड़ सकती है, तो उसको हम एक कॉमन मॉड्यूल बना सकते हैं, तो फिर हम सिंपली उसको इंपोर्ट कर लेंगे और फिर उस फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मैथ्स जो मॉड्यूल है, या कोई और रैंडम मॉड्यूल है, या जो भी रेडीमेड मॉड्यूल्स हैं, या मैं भी मॉड्यूल बना सकता हूं एज अ प्रोग्रामर, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं, उन सब मॉड्यूल्स को हम किस तरह से बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब चीजें अब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।